हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ कि इस तरह की नई झाड़ू और बेकार खाली पड़ी हुई कोल्ड ड्रिंक की बोतल का एक कमाल का यूज़ मैं आपको इस वीडियो में दिखाऊंगी। तो वीडियो बहुत यूज़फुल होने वाली है, तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक जरूर वॉच करें। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। तो फ्रेंड्स, हम मार्केट से बहुत बार इस तरह की नई झाड़ू को खरीद कर घर पर लेके आते हैं, लेकिन बाथरूम में और गीली जगह पर ये रखने से बहुत ही जल्दी ख़राब हो जाती है और इसकी तिल्लियाँ जल्दी पानी में रहने की वजह से गलने लगती हैं, जिससे झाड़ू जल्दी टूट जाती है। अब से अगर आप इस तरह की तिल्ली वाली झाड़ू लेकर आएंगे तो इस ट्रिक को जरूर फॉलो करें। इससे आपकी झाड़ू जल्दी टूटेगी नहीं और लंबे समय तक चलेगी। सबसे पहले झाड़ू पे लगी हुई टेप या तार को हटा लेंगे, उसकी तिल्लियों को अलग कर लेंगे और सेम इसी तरह से प्लास्टिक की बोतल पर भी जो इस तरह की पॉलीथीन टाइप चिपकी रहता है स्टिकर, उसको हम हटा लेंगे। इस बोतल के स्टिकर को चाकू से कट कर मैंने रिमूव कर दिया है। फ्रेंड्स, आप कोई भी बोतल ले सकते हैं, लेकिन अगर इस तरह की कोल्ड ड्रिंक की बोतल है तो ये थोड़ी मजबूत प्लास्टिक की होती है, तो यही ज़्यादा बेस्ट रहेगी। तो एक लीटर की बोतल हमने ली है और इसके नीचे की साइड में इस तरह के पांच जेस साइड में इस तरह से प्लास्टिक उठा हुआ होता है, तो इस उठे हुए हिस्से को हमें कट करना है। तो इस तरह से कोई भी शार्प चाकू हम ले लेंगे, तेज धार वाला, और उससे हम जो इसका उठा हुआ हिस्सा है इसको कट कर लेंगे। इस तरह का होल हमें बनाना है कट करके, तो दूसरी साइड भी मैं कट कर लेती हूँ। तो इस तरह से हमें इस बोतल के पांचों साइड में कट करके होल बनाने हैं। आप चाहे तो चाकू को गैस पे थोड़ा सा गर्म करने के बाद आसानी से इन साइड को कट कर सकते हैं, क्योंकि ये साइड थोड़े हार्ड होते हैं, तो हमें एकदम टॉप पे नहीं बल्कि थोड़ा सा नीचे की तरफ कट करना है, ताकि होल भी थोड़े से बड़े साइज़ के हो जाएँ। ये देखिए, बोतल के नीचे का हिस्सा मैंने कट करके अलग कर लिया है और इस टाइप के होल बोतल में बन गए हैं। तो अब हम क्या करेंगे, थोड़ी थोड़ी सी तिल्लियाँ लेंगे और इस बोतल के होल के अंदर हम इसको डाल लेंगे। तो थोड़ी थोड़ी करके ही तिल्लियाँ हमें डालनी है, क्योंकि आप अगर आप एक साथ तिल्लियों को डालने की कोशिश करेंगे वो एक साथ आसानी से नहीं जाएंगी, लेकिन अगर आप थोड़ी थोड़ी तिल्लियाँ इसके अंदर डालेंगे तो आप देखेंगे बहुत ही आसानी से इन होल के अंदर तिल्लियाँ चली जाती हैं। सेम इसी तरह से दूसरा बंच भी हम तिल्लियों का ले लेंगे और दूसरे होल के अंदर डाल देंगे। तिल्लियों को हमें मोटी साइड से ही इस बोतल के अंदर डालना है, यानी कि जो तिल्लियों के पीछे वाली साइड होती है वहीं से हमें तिल्लियों को बोतल के अंदर डालना है। तो फ्रेंड्स, हम इन सभी तिल्लियों को इस बोतल के छेद के अंदर इसलिए डाल रहे हैं ताकि हमारी जो तिल्लियां हैं वो इस बोतल के अंदर होल्ड हो जाएं। इस झाड़ू का एक बहुत ही अच्छा होल्डर हम बनाकर तैयार करेंगे। इससे आप अपनी झाड़ू को कितनी भी गीली जगह पर रख दीजिए, वो बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगी और आपकी झाड़ू लंबे समय तक चलेगी। आप सोच रहे होंगे कि इसमें से तो तिल्लियाँ निकल जाएंगी, तो अब हम एक बहुत ही यूज़फुल ट्रिक का यूज़ करेंगे। तो इसके लिए चलेंगे गैस की तरफ, जिससे कि सारी तिल्लियाँ इसी बोतल के अंदर अच्छे से फिक्स हो जाएंगी। और अगर अभी भी होल में काफ़ी सारा स्पेस है तो आप इसके अंदर भी तिल्लियों को डाल सकते हैं। तो होल को हमें एकदम टाइटली भर देना है तिल्लियों से। तो ये लीजिए, सभी तिल्लियों को मैंने बोतल के अंदर डाल दिया है, जितने भी इसके छेद थे उनके अंदर तिल्लियाँ जा चुकी हैं। तो अब हम चलते हैं सेकंड प्रोसेस में। तो सेकंड प्रोसेस के लिए हमें गैस की तरफ चलना होगा, तो गैस मैंने ऑन कर लिया है और अब इसके ऊपर हम इस बोतल को हल्का हल्का सा गर्म करेंगे और एक हाथ पे हम रखेंगे निचुड़ा हुआ गीला सूती कपड़ा। तो अब हम इस झाड़ू को इस तरह से गैस के ऊपर घुमाते हुए प्लास्टिक को थोड़ा गर्म कर लेंगे, तो प्लास्टिक हल्का हल्का सा गर्म होके इन तिल्लियों पे अच्छे से चिपकने लगेगा। हमें इस बोतल को एक ही साइड में ज़्यादा नहीं सेकना है, बस कंटिन्यू इस आँच के ऊपर हमें इसे घुमा घुमा कर सेकना है, जिससे कि सभी जगह से प्लास्टिक हल्का हल्का गर्म होता रहे। और इस निचुड़े हुए सूती कपड़े से हम इसको दबाते भी रहेंगे ताकि सारी तिल्लियों के अंदर ये बोतल फिक्स हो जाए। बोतल का जो ढक्कन है उसको हमें हटा देना है, वरना वो गर्म होकर मेल्ट हो सकता है। आप चाहे तो उस ढक्कन को बाद में लगा दीजिए, या आप चाहे तो जो पीछे वाला हिस्सा उसको भी गर्म चाकू से कट करके हटा सकते हैं, लेकिन मैंने फ़िलहाल इसको कट नहीं किया है, क्योंकि अगर हम इसको पीछे से झाड़ू को पकड़ेंगे तो बहुत ही अच्छी ग्रिप इसकी बन जाती है। इस प्लास्टिक की बोतल को हम जैसे ही आँच पर गर्म करेंगे तो प्लास्टिक मेल्ट होता है और श्रिंक होकर वो इन तिल्लियों पर चिपक जाएगा, और कपड़े से हमें बराबर इस बोतल को दबाते हुए भी जाना है ताकि ये अच्छे से इस पर सेट हो जाए। बस इस बोतल को ऊपर से नीचे तक हमें अच्छे से सेकना है। तो ऊपर से तो मैंने इसे सेक लिया है, अब नीचे की तरफ से भी हम इसको गर्म कर लेंगे ताकि तिल्लियाँ अच्छे से इसमें चिपक जाएं। बस इस गीले कपड़े से हमें इस प्लास्टिक को दबाते रहना है ताकि अच्छे से तिल्लियाँ जो है इस बोतल के अंदर फिक्स हो जाएँ और बिल्कुल भी वो निकले ना। फ्रेंड्स, इस बोतल के नीचे की तरफ हमने पांच होल किए थे। आप चाहे तो एक सेंटर में भी थोड़ा स्पेस होता है वहाँ पर नुकीले चाकू से एक होल बना सकते हैं और बीच में भी तिल्लियों को डाल सकते हैं।
और सेंटर में आप छोटा सा होल बनाएं और कुछ ही तिल्लियों को उसके अंदर डालें। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हमारी जो झाड़ू है वो अच्छे से बनकर सेट हो गई है। आप देखिए, उल्टा करके भी मैं दिखा रही हूँ, एक भी तिल्ली इसमें से नहीं निकल रही है। तो यानी कि झाड़ू हमारी अच्छे से प्लास्टिक की बॉटल के अंदर सेट हो चुकी है, फिक्स हो चुकी है। फ्रेंड्स, बोतल को गर्म करते वक्त आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आपको एकदम गैस के ऊपर ही इसे नहीं रखना है, थोड़ी सी गैस के ऊपर हाइट की तरफ हमें रखकर इसको गर्म करना है, यानी कि हल्की आंच इसमें लगनी चाहिए गैस की। तो ये लीजिए, हमारी बहुत ही मजबूत झाड़ू बनकर तैयार हो गई है और अब हमारी तिल्लियाँ ना तो इसमें से निकलेंगी और ना गलेंगी ना सड़ेंगी, बिल्कुल लंबे समय तक हमारी झाड़ू चलेगी। और आप देख सकते हैं, मैंने पीछे से इस बोतल का ढक्कन भी लगा लिया है, तो यहाँ से झाड़ू को पकड़ने में भी बहुत आसानी होती है। तो ये देखिए, आप बहुत ही आसानी से इससे झाड़ू लगा सकते हैं, इसकी तिल्लियाँ बिल्कुल भी नहीं निकलेंगी क्योंकि ये इस बोतल के अंदर फिक्स हो चुकी हैं। और अब आप चाहें तो इस झाड़ू का जो आगे वाला सिरा होता है, जहाँ पर सिरे में बहुत पतली पतली तिल्लियाँ होती हैं, उनको चाकू से या कैंची से काट कर अलग कर सकते हैं। इससे झाड़ू लगाने में और सफाई करने में बहुत ही आसानी होती है। अगर आइडिया पसंद आया हो तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करें। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इस झाड़ू का आगे का सिरा भी बहुत ज़्यादा पतला है, आगे की तरफ पतली पतली तिल्लियाँ हैं, तो इनको मैं कैंची से कट करके अलग कर लूँगी। तो आगे की जो पतली वाली तिल्लियाँ हैं बहुत ही आसानी से कट हो जाती हैं क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट होती हैं। तो ये लीजिए, हमारी बहुत ही लॉन्ग लास्टिंग झाड़ू बनकर तैयार हो चुकी है। इस बोतल का ढक्कन वाला सिरा आप कट करने के बाद उसके बाद आग में सेक के इसको झाड़ू की तिल्लियों में अच्छे से फिक्स करके चिपका सकते हैं। तो पीछे से भी आपकी तिल्लियों में हवा लगती रहेगी और वो गीली होने पर भी ख़राब नहीं होगी। या आप चाहे तो इस ढक्कन को खोल दीजिए, इससे भी पीछे की तरफ हवा लगती रहेगी। वीडियो ज़रा सा भी यूज़फुल लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। आइडिया आपको पसंद आया या नहीं मुझे कॉमेंट करके ज़रूर बताएँ। वीडियो यूज़फुल लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक करें, साथ ही में बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। मिलते हैं एक ऐसी यूज़फुल वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।